नमस्कार दोस्तों, बी योर ओन एस्ट्रोलॉजर के नए अध्याय में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग की सारी वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको पिछली समझाई हुई सारी बातें अच्छे से याद रहे और कुंडली पढ़ना अच्छे से आप सीख पाए। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जिसका नाम है नीच भंग राजयोग। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, जब कोई ग्रह नीच का हो तो वो मारक हो जाता है और अपनी दशा या अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। परंतु अगर उसी नीच ग्रह की जब नीचता भंग हो जाए तो वो बन जाता है एक बहुत बड़ा राजयोग, जिसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। जैसा कि आपने मेरी पिछले वीडियोज में सीखा था कि ग्रहों की उच्च राशि और नीच राशि कौन सी होती है, उसी तरह का मैंने आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि शनि देव मेष राशि में नीच के हैं। कुंडली चाहे किसी भी लग्न की हो, अगर शनि देव मेष राशि में बैठ जाए जहां एक लिखा है, मतलब समझ जाइए कि शनि देव नीच के हैं। उसी तरह केतु देव वृषभ और मिथुन राशि में नीच के हो जाते हैं, मंगल देव कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं और बृहस्पति देव मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। तो इस चार्ट में मैंने ग्रहों को उनकी नीच राशि में ही दिखाया है। अब आप ध्यान से समझिए, अगर आप इनमें से कोई भी ग्रह जो फिलहाल तो अपने नीच राशि में है, ठीक अपने सामने वाले घर मतलब सातवें घर में बैठ जाए तो वो अपने उच्च राशि में कहलाएगा। जैसे कि सूर्यदेव यहां तुला राशि में नीच के हैं और अगर सूर्यदेव ठीक इसके सामने वाले घर जहां एक लिखा है मतलब मेष राशि में बैठ जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी नीचता भंग कैसे होती है। सपोज करिए कि सूर्यदेव यहां तुला राशि में बैठे हैं जो कि नीच के हैं। अगर इनके साथ तुला राशि के स्वामी जो कि शुक्रदेव है वो भी बैठ जाए तो यहां नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा, क्योंकि घर का मालिक स्वयं अपने ही घर में बैठ गया तो यहां सूर्यदेव कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये तो थी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर शुक्रदेव यहां ना बैठे हों और इनकी दृष्टि इस घर पर पड़ जाए, मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्रदेव की सातवीं दृष्टि होती है और शुक्रदेव यहां मेष राशि में जहां एक लिखा है वहां बैठ जाए तो इनकी दृष्टि अपने ही घर पर पड़ेगी, तो इस कंडीशन में भी नीच भंग हो जाएगा, तो सूर्यदेव यहां फिर से नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि शुक्रदेव सामने वाले घर में बैठकर खुद स्वयं के घर को देख रहे हैं। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी कंडीशन पर। सपोज करिए कि शनि देव जो कि तुला राशि में उच्च के होते हैं वो खुद सूर्यदेव के साथ बैठ जाए जहां साथ लिखा है, तो इस कंडीशन में भी नीच भंग हो जाएगा और राजयोग में परिवर्तन होने से अब ये नुकसान तो छोड़िए, जातक को राजा के समान समाज में इज्जत और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएंगे। तो आज की इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज आपको टाइमली मिलते रहे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। धन्यवाद।